आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए बम्पर सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के 98,000 पोस्ट वैकेंसीज के ऊपर नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोग 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप लोग तीनों ही पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन कर पाएंगे। मेनली यहां पर एमटीएस के लिए 10वीं पास चाहिए होता है और पोस्टमैन और मेल गार्ड की पोस्ट के लिए 12वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, कब तक में आप लोग आवेदन कर पाएंगे, आपका एग्जाम होगा या नहीं, और अगर एग्जाम होना है तो आपका इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, वेतन के बारे में बात करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग भी पोस्ट ऑफिस को ज्वाइन करके साल 2022 के अंदर ही एक अच्छी सी परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। और अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की तरफ से वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं और आपको इस बार 98,083 पद टोटल देखने को मिलने वाले हैं। ऑनलाइन तरीके से ही आपको आवेदन करना होगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने 38,000 पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा यहां पे देखिए आपको तीन तरह की पोस्ट वैकेंसी मिलेंगी, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की। इसके लिए ऑल इंडिया लेवल यानी कि भारत के किसी राज्य से मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप लोग जरूर से आवेदन करें, क्योंकि आपको बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, जहां से सर्कल वाइज यानी कि स्टेट वाइज आपको वैकेंसी डिटेल दे देते हैं, साथ में कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे इसके बारे में भी जानकारी शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सरकारी रिजल्ट .ooo के ऑफिशियल चैनल के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरीके से आपको गूगल के अंदर सरकारी रिजल्ट .ooo की वेबसाइट भी मिल जाएगी, जो कि लाइव है। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट दी जाती है गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल ही जाएगा, तो आप क्लिक करके यहाँ पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस 98,083 वैकेंसी हैं 2022 के लिए, जहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिलेंगी। यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका इंडिया पोस्ट ऑफिस ही रहेगा, जहाँ पर एमटीएस, पोस्टमैन और यहाँ पे मेल गार्ड की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। 98,083 यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी हैं। आपको बता दें कि न्यूज़पेपर के हिसाब से जो पत्रिका.com था, जी न्यूज़ था, वहाँ पे जो आर्टिकल पब्लिक किया गया था, इसकी आखिरी डेट 23 सितंबर 2022 की रखी गई थी। पर चूंकि अभी तक ये वैकेंसियाँ स्टार्ट नहीं हुई है फॉर्म फिलअप, इसलिए ये डेट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। इसके बारे में जस्ट आपको अपडेट दिया जाएगा। अगर बात करें कि तीनों पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी मिलेंगी, तो पोस्टमैन में आपको लगभग 59,099 यहाँ पे वैकेंसी मिलेंगी, मेल गार्ड 1,445 और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए 37,539 नंबर वैकेंसी आपको मिलेंगी। जो यहां पे आपको सर्कल वाइज पोस्ट दिख रही है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप लोग इस पेज पे आ जाइएगा, आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सर्कल वाइज भी और पोस्ट वाइज भी। उसके बाद अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता बताई गई है। 10वीं पास है तो एमटीएस और 12वीं पास है तो मेल गार्ड और पोस्टमैन की पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपकी एज है, जो कि इस बार 18 से लेकर 32 साल की रखी जाएगी। इसके अलावा छूट भी आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, इस बार आपकी डायरेक्ट मेरिट ना बनके ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। अब ऑनलाइन आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिलेबस के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। वेतन की बात करें तो इस बार अच्छा वेतन मिलेगा, 18,000 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक का आपको वेतन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 रुपए देने होंगे, बाकी किसी भी कैटेगरी का कोई भी फीस नहीं लगेगा और ये फीस जो है तो पुराने नियम के आधार पर ही लिया जाएगा। उसके बाद कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी है। देन अगर आप लोग नीचे आएंगे तो आपको इस वैकेंसी की कंप्लीट अपडेट यहां पे देखने को मिलेगी।
अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का सेक्शन मिल जाएगा। यहीं पे मैं आप सभी को इस वैकेंसी के सिलेबस का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इजीली जो है तो चेकआउट कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर की बटन मिलेगी, आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको जो है तो देखने को मिलेगा कई सारी मेल आईडी, और इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली आ सकते हैं, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर देखने को मिल रहा इंडिया पोस्ट 98,083 पोस्ट 2022 सरकारी रिजल्ट .ooo यहाँ पे वेबसाइट है। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली 11 अगस्त 2022 को ही जारी कर दिया गया था, जैसे कि आप लोग यहां पे देख पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और पोस्ट की तरफ से वैकेंसी है, और इस नोटिफिकेशन में आपके काम की जो चीजें हैं वो नीचे मेंशन करी गई हैं, आपको मैं बता दूंगा। टोटल 17 पेजों का पीडीएफ है, लेकिन आपको कौन से नंबर के अंदर आके अपनी वैकेंसीज को चेकआउट करना है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो स्क्रॉल करेंगे, यहां से आप लोग नीचे आएंगे, आपको एक बढ़िया लंबा चौड़ा पेज मिलेगा जिसके अंदर आपकी तीनों वैकेंसी और सर्कल नेम ऐड किए गए हैं। तो अभी आप लोग यहां से और थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये टोटल 110,239 पद खाली है, इसके बारे में जानकारी है, लेकिन इस बार की जो वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिलेगी तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहां पे जब आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी मिल जाए, ये नंबर, ये कौन सा नंबर है, 17 पेजों में से ये 15 नंबर पीडीएफ है, 15 नंबर पेज पे आपको आना है, इसके अंदर आपकी वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल शेयर की गई है और ये 11/8/2022 को जारी किया गया है। पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्टें हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ सर्कल, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यहां पे पोस्टमैन के लिए कितनी वैकेंसी मिलेंगी, 59,099, मेल गार्ड के लिए 1,445 और एमटीएस के लिए 37,539। यहां पे आपको टोटल 23 सर्कल्स मिलेंगे, नाम मैं बता देता हूं, वैकेंसी आप लोग यहां पे आके चेकआउट कर लीजिएगा। एपी सर्कल, उसके बाद असम सर्कल, बिहार सर्कल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, एचपी सर्कल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र और एनी उड़ीसा, पंजाब, इसके बाद यहाँ पे आपको राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल सर्कल देखने को मिलेगा। इसके अंदर की जो पोस्ट वाइज वैकेंसी आपको चेकआउट करनी है, और यहाँ पे आपको अथराइज्ड पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस की कंप्लीट वैकेंसी की डिटेल मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी फॉर्म फिलअप की वीडियो देखना चाहते हैं, ऑथेंटिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो सरकारी रिजल्ट .ooo टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे जहां पे वीडियो देख रहे हैं बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।